दरभंगा में बहन के प्यार में दखल करना भाई को पड़ा महंगा। प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया भाई की हत्या और गाड़ दिया आम के बगीचे में। जी हां, जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के अहिला गांव के समीप आम के बगीचे में 11 जून 2023 की सुबह मिट्टी से आधा ढका हुआ एक अज्ञात शव मिला। वहीं अनुसंधान के क्रम में मृत युवक की पहचान कर इस मामले में शामिल दो बदमाश को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बताते चले कि उक्त बातें की जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया कि शव मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीणों और चौकीदार से पहचान कराया गया तो शव की पहचान एकमी घाट थाना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के एकमी घाट निवासी बवन कुमार राय का पुत्र अमित कुमार के रूप में पहचान किया गया। वहीं सागर कुमार ने बताया कि अनुसंधान के क्रम में पता चला है कि मृतक अमित कुमार के बहन एवं सचिन कुमार के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था जो मृतक के द्वारा विरोध किया जाता, जिसके बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझोल गांव निवासी अभियुक्त सचिन कुमार ने अपने सहयोगी अंश झा कृष्ण कुमार एवं राहुल कुमार के साथ योजना बनाकर कृष्ण कुमार के मोटरसाइकिल का इस घटना में उपयोग कर घटनास्थल पर ही हत्या कर सबको मिट्टी में ढक दिया। वहीं उन्होंने कहा है कि घटना के बाद वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए FSL की टीम मछवेपुर को घटनास्थल पर बुलाया गया तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमित कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर कांड का सफल उद्भेदन करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद बहादुरपुर थाना की पुलिस के साथ तकनीकी शाखा के कर्मियों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड का सफल उद्भेदन करते हुए इस कांड में संलिप्त अंश झा तथा कृष्ण कुमार को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया तो दोनों ने इस घटना में अपना अपना संलिप्तता स्वीकार किया है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने बताया है कि दोनों अभियुक्त संलिप्त अंश झा एवं कृष्ण कुमार को किशोर न्याय परिषद के समक्ष उपस्थित किया जा रहा है तथा इस कांड का मुख्य आरोपी सचिन कुमार सहित शेष बचे अभियुक्त को गिरफ्तार हेतु छापेमारी की जा रही है। 11 जून को सुबह में दरभंगा जिला अंतर्गत बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझोल से अहिला जाने वाली जो रास्ता है उसके बगल में आम के बगीचा से एक मिट्टी से आधा ढका हुआ एक अज्ञात लाश की सूचना स्थानीय चौकीदार के माध्यम से बहादुरपुर थाना को प्राप्त हुई थी। तो इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर के उसका पहचान स्थानीय लोगों तथा चौकीदार के माध्यम से कराया गया तो जो मृतक हैं उनका पहचान बवन कुमार राय का पुत्र अमित कुमार एकमी घाट के रहने वाले थाना बहादुरपुर के रूप में पहचान किया गया। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया जो मृतक था उनके शव का और मृतक के पिता के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर सुसंगत धाराओं में अनुसंधान प्रारंभ किया गया। तो अनुसंधान के क्रम में वैज्ञानिक अनुसंधान किया गया है। FSL का जो टीम है उसको मुजफ्फरपुर से क्षेत्रीय FSL का टीम को बुलाया गया, क्राइम सीन फोटोग्राफी किया गया है एवं तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से इस कांड का जो सफल उद्भेदन है वह किया गया है। तो घटना का जो कारण है वह यह है कि मृतक की सिस्टर का प्रेम प्रसंग चल रहा था सचिन नाम के व्यक्ति का पिता धनंजय सिंह यह इस केस के नामजद अभियुक्त भी हैं। तो इस घटना का विरोध मृतक के द्वारा किया जाता था इस प्रेम प्रसंग का तो उसी के प्रतिशोध में सचिन कुमार पिता धनंजय सिंह के द्वारा जो है अपने सहयोगियों के माध्यम से चार कुल व्यक्तियों के द्वारा जो है यह घटना को अंजाम दिया गया था जिसमें से कुल दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार व्यक्तियों में जो हमने गिरफ्तारी के पश्चात उनका उम्र सत्यापन किया तो इसमें नाबालिग हैं दोनों व्यक्ति तो जो विधि विरुद्ध किशोर हैं उसमें एक है कृष्ण कुमार पिता ललन शाह और दूसरे हैं अंश झा पिता स्वर्गीय उग्रनाथ झा। ये दो व्यक्तियों को हम लोगों ने अभिरक्षा में लिया है और हम लोग इन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किशोर न्याय परिषद के समक्ष उपस्थापित आज करेंगे।